वेलकम टू बॉलीवुड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ भूमिका और मैं लेकर आई हूं प्राइम वीडियो की न्यू सीरीज, यानी कि पुरानी सीरीज है लेकिन उसका न्यू पार्ट जब रिलीज हो गया है, यानी कि पंचायत 2 का रिव्यू लेकर आई हूं मैं आपके लिए। प्राइम वीडियो ने 20 तारीख का वादा करके पंचायत 2 को पहले ही रिलीज कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले ही रिलीज लीक हो गई और इसलिए प्राइम को इसे अचानक ही रिलीज करना पड़ा। पंचायत का पहला सीजन जिसने भी देखा है उसे इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार था, हमें भी था और आपको भी होगा ही। और इंतजार का फल मीठा रहा या फिर कड़वा, ये मैं आपको बताती हूँ। कहानी कुछ नई नहीं है, फुलेरा ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है और स्वागत करते हैं सचिव जी, प्रधान, प्रधान पति, प्रहलाद, विकास और रिंकी। कहानी की धुरी यही 6 किरदार हैं, बस इसमें किस्से अलग अलग हैं। उन्हीं किस्सों में कुछ नए किरदार हैं और कुछ पुराने भी हैं। पंचायत को इसके बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत सचिव हमारे अभिषेक बने जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की। पिछली बार की तरह ही उन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। खुद को जितना हो सकता था उतना रियल और सिंपल रखने की जोरों शोरों से कोशिश की, पर दूसरे एक्टर्स की चमक के आगे वो थोड़े से फीके पड़ गए। रघुवीर यादव ने भी शानदार काम किया, प्रधान जी के रोल में उनके अलावा आप किसी को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। भड़कने और तमतमाने वाले सीन्स में उन्होंने कमाल ही कर दिया है। जी हाँ, जिस सीन में वो कुछ भी नहीं करते हैं यानी कि फोकट भी रहते हैं तो उसमें भी वो कमाल ही कर देते हैं। नीना गुप्ता के तो क्या ही कहने, वो छोटे छोटे मूवमेंट्स चुराती हैं और आपका ध्यान किसी और की ओर जाने से भी चुरा ही लेती हैं और पूरा अटेंशन खुद ले लेती हैं। उनका रघुवीर यादव का किरदार काफी लाउड है पर चुपता नहीं है, उन्हें देखकर मजा आता है। विकास का रोल चंदन रॉय ने बहुत उम्दा किया है, इतना ज्यादा रियल कोई भला कैसे हो सकता है। आपको देख के लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास का ही आदमी है, अभी नुक्कड़ पर मिल जाएगा। पंचायत 2 के बाद उनके पास काम की बाढ़ आने वाली है। प्रहलाद का रोल किया है फैसल मलिक ने, शायद उनके जैसी एक्टिंग के लिए मैं टिपिकल हिंदी में 3 वर्ड्स कहूंगी, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। हंसाना हो, रुलाना हो और आपके अंदर दब चुके इमोशंस को जिंदा करना हो या बाहर निकालना हो, उन्होंने सब कुछ बढ़िया तरीके से किया है। रिंकी के रोल में सान्विका ने ठीक ठीक काम किया है। वहीं भूषण के रोल की अगर बात करें तो दुर्गेश कुमार ने बेहतरीन एक्टिंग की है और सभी का दिल भी जीत लिया है। वहीं बात करें सुनीता राजवर ने पंचायत में भूषण की पत्नी का रोल निभाया है, वो इसमें बिल्कुल गुल्लक वाली बिट्टू की मम्मी ही लग रही है। पंकज झा ने MLA की बेहूद की और अकड़ को अच्छे तरीके से खुद में बसा लिया है। विनोद का रोल निभाया है अशोक पाठक ने, उन्होंने परफेक्शन की हद पार ही कर दी। ऐसा लगता है मानो जैसे वहीं किसी गांव के एक आदमी को पकड़कर ठेठ एक्टिंग करवा ली गई हो। दीपक कुमार मिश्रा का डायरेक्शन काफी अच्छा है, उन्होंने सब कुछ अप टू डेट और अप टू मार्क रखने की कोशिश की है और वो सक्सेसफुल भी रहे। छोटी से लेकर बड़ी डिटेल तक उन्होंने सब कुछ ध्यान रखा, प्रोडक्शन डिजाइन का ख्याल रखा गया, माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ढंग से सजाया गया है। शुरुआती 4 एपिसोड काफी स्लो हैं, 5वां 6ठा एपिसोड सिर्फ स्लो है, 7वें 8वें एपिसोड की रफ्तार ठीक हुई। 7वें एपिसोड में सतीश रे की एंट्री होती है और ये एपिसोड आपको खूब हंसाता है। ठीक उससे उल्टा 8वां एपिसोड आपको इमोशनल कर देता है। TVF की हर सीरीज की तरह इसमें भी एक खास बात है, आपको हंसी आएगी लेकिन कई सीन्स में खूब ज्यादा हंसी आएगी, तो कई सीन्स ऐसे होंगे जिसके अंदर आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, जैसे सांप को पकड़ने वाला सीन हो या फिर रेल की पटरी पर लेटने वाला सीन। पर जब आप एक कदम हंसी में डूब चुके होंगे और उसी समय एक मूवमेंट आएगा और आप कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया। लास्ट एपिसोड ऐसा ही कुछ है, आप शॉक हो जाते हैं और सीरीज के आखिरी 5-10 मिनट में सिनेमा अपने मेन लेवल मतलब मेन पड़ाव पर होता है, गारंटी है कि आप रो ही पड़ेंगे। तो अब बहुत पंचायत कर ली मैंने भी आपके साथ, जाइए अब प्राइम वीडियो पर पंचायत 2 देखिए, किसी और बात के लिए नहीं तो एक अच्छी एक्टिंग के लिए ही देखिए। फैसल मलिक के निभाए गए रोल को तो देख ही डालिए। इस शॉर्ट रिव्यू में फिलहाल इतना ही, लेकिन ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल बॉलीवुड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें।